उस फ्राइडे को शायद भारत इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। और याद आ रहा है 2013 की वो फ्राइडे शुक्रवार, उस दिन भी हुई थी बहुत बड़ी रेल हादसा जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इस बार भी था 2 जून 2023 यानी फ्राइडे शुक्रवार, उस दिन भी हुआ इतना बड़ा रेल हादसा जो भारत इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। लोग सोशल मीडिया में फ़ोटो और वीडियो छोड़ रहे थे और वो वीडियो और फोटो बहुत ही दर्दनाक था, बिल्कुल हम उसको देख नहीं पाएंगे। उस टाइप के वीडियोज और फोटो हमें देखने को मिला सोशल मीडिया में। बात हम कर रहे हैं हाल ही में उड़ीसा के बालेश्वर जिला यानी बहानागा में जो रेल हादसा हुई थी, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि लोकल लोगों का कहना है मौत की संख्या और भी ज़्यादा था और 1000 से ज़्यादा लोग इसमें आहत हुए थे। तो फिर बात वहां पर भी नहीं रुका, उसके लगभग 3-4 दिन के बाद अगर मैं बुधवार की बात करूं यानी 7 तारीख की अगर हम बात करें, जाजपुर उड़ीसा प्रदेश की एक स्टॉपेज वहाँ पे जाजपुर रोड, वहाँ पे भी जो ट्रेन मालगाड़ी के जो ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई थी तो अचानक आंधी तूफान आ गई। फिर जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे वो उस ट्रेन के जो डिब्बा है उसके नीचे चले गए, ट्रेन ऑटोमेटिकली चलने लगा, छः कर्मचारियों की वहाँ पर मौत हो गई। उसके ठीक एक दिन बाद यानी हम बृहस्पतिवार की बात कर रहे हैं, 8 तारीख हम बात कर रहे हैं, तो 8 जून में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ट्रेन है इसका नाम है पूरी इंटरसिटी एक्सप्रेस, वहाँ पे आग लग गई। हालांकि कुछ लोगों की हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन खलबली मच गई, लोग सोचने लगे क्या बहानागा की स्थिति यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मालिका के जो हैं रिसर्चर, उनका ये मानना है 2023 इस शताब्दी की सबसे खराब वर्ष में से एक है और जहाँ अग्निकांड और एक्सीडेंट लगातार रूप से हमें देखने को मिलेगा। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हालांकि मालिका समाज को जो सचेतन की वार्ता दे रहा है उसी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में आज का है चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कल की लीला पुस्तक की राइटर और मालिका रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पांडा जी। जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो जैसे ये जो हादसे की हम बात कर रहे थे तो हादसा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि चलो मुश्किल से दिन बीत जा रहा है, जो लोगों के साथ ये घटना घटी है वो तो कभी नहीं इस पल को भुला पाएंगे। उसके बाद भी हम देख रहे हैं एक के बाद एक रेल हादसा हो रहा है, तो क्या है मतलब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए पहले भक्त भाई बहनों को नमस्कार। जी नमस्कार। हम लोग ये वीडियो बनाए थे 2022 में दिसंबर में जी, उसमें हम 2023 के लिए प्रेडिक्शन दिए थे, 2023 के प्रेडिक्शन दिए थे आने वाले 2022-23 में क्या क्या होगा। हाँ जी, उसमें हम दो प्रेडिक्शन भी सच साबित हो रहा है। एक है कि हम बोला था कि 2023 में ट्रेन प्लेन और बस ये रोड एक्सीडेंट बहुत होगा, बहुत आदमी का मृत्यु घटेगा। दूसरा प्रेडिक्शन दिए थे रशिया उसका यूक्रेन का डैम तोड़ देगा। जी साबित हुआ। मैं कोशिश करूंगा उस ओडिया का जो वीडियो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हम लगा दें ताकि लोग उसको देख पाए। जी बिल्कुल। आपसे आप जो मतलब बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। एक्चुअल मैं हाल ही में गया था नेमाड़ में जो हुआ था हुई थी वहाँ, हमारे हर साल की तरह जो होता है वहाँ पर स्नान पूर्णिमा, लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं, तो फिर एक रथ यात्रा हम मान सकते हैं, इतने पैमाने भी वहाँ पर लोग आते हैं। हमारे वहाँ पर एक समर्थक जो हमारा चैनल है, हम लगातार निरंतर रूप से हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल के फॉलोअर्स वहाँ पर मुझे मिल गए, फिर उन्होंने मुझे फिर आपके बारे में वहाँ पर उन्होंने कहने लगे कि
जी मैं तो आपका चैनल लगातार देखता रहता हूँ, निरंतर रूप से मैं देखता हूँ, और आपके चैनल में जो आते हैं पुलिन पांडा जी, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, और उनके जो बनाई गई जो वीडियो है वो वीडियो में जो बात बोल रहे थे वो सही हुआ। मतलब क्या सही हुआ, बोले कि उन्होंने वो दुर्घटना वो एक्सीडेंट के बारे में बताए थे वो सब सही हुआ। तब फिर मैंने उस वीडियो को फिर सर्च करना शुरू किया तो मुझे जाके मिला, हाँ वो आपने दिसंबर के महीने में वो प्रेडिक्शन आपने दिए थे। बताइए, बहुत धन्यवाद वक्त को। एक्चुअली क्या है जो अभी घट रहा है, अभी जैसा ट्रेन एक्सीडेंट होता है एक बार देख हो जाता है, पहले 300 आदमी का डेथ हो गया, उसके बाद 6 आदमी का डेथ हो गया, ट्रेन खड़ा है अभी आगे बढ़ गया था जो मार दिया उधर, फिर ट्रेन में आग लग गया उसका 2 दिन बाद, ये जो सब चीज़ होता है एक चीज़ दर्शाता है कि ऐसा चीज़ बहुत होने वाला है फ्यूचर में। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सा चीज़ आने वाला है, एक बाद एक घटेगा, आपको देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। उनका जो सिस्टम बना है कैसे 850 करोड़ से 111 करोड़ करेंगे पूरा विश्व की, पूरा विश्व का, पूरा विश्व की जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है, जो है 850 करोड़ लगभग लगभग, और उसमें से आपका ये मानना है कि घट के रह जाएंगे बस 111 करोड़, बस इतना ही। अच्छा, तो कैसा होगा, कैसे कम कैसे होगा? अच्छा, भारत का किस सीन है, भारत में अभी 140 करोड़ 45 करोड़ पास है। हाँ हाँ हाँ, दुनिया के सबसे आबादी वाला देश। 33 करोड़ से 35 करोड़ तक रहेंगे, 33 से 35 करोड़ तक। अपना स्वाधीन जब हुआ, इंडिया स्वाधीन हुआ 1947, उस टाइम 35 या 36 करोड़ आदमी थे। हाँ, 36 करोड़ थे, उतने रहेगा। अच्छा, मतलब उसका आसपास जब भारत को स्वाधीनता मिली, मतलब इंडिपेंडेंस मिला, तो उस समय मतलब 1947 की आप बात कर रहे हैं, उस समय की जितना आबादी था उतना ही आबादी रहेंगे, क्योंकि वो आबादी वाले कॉन्स्टेंट थे, वो कॉन्स्टेंट रहे, उतने ही रहते थे सालों सालों से, 100-100 सालों से उतने ही रहते थे इंडिया में पॉपुलेशन, जब कोई बढ़ता था थोड़ा कम हो जाता था, क्यों, अपना अंदर में कंट्रोल था, समाज का संस्कार था, अभी तो वो नहीं है। कोई किसी को शादी करता है, कभी दिन को रात बनाता है, रात को दिन बनाता है, कोई बात नहीं उसमें अभी तो। इसलिए आप देखिए 47 के बाद अभी 23 हुआ है, 75 ईयर्स हुआ है, तो 35 करोड़ से 145 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, हजारों साल से 30-35 करोड़ के अंदर अंदर था, यह सडनली बढ़ गया किसे, ये लोग नेचर है, ये लोग का रिजल्ट होने का है। अच्छा, आपका ये मानना है कि ये सब लोग जो हैं लगभग मेल्स हैं और इनका संहार होगा, संहार होगा, मैं ही नहीं बोलता हूँ कि सब परसों के बाद जो आ गया वो उसने से हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो पैदा हुआ है परसों के बाद जो पैदा हुआ है सब, उसमें से अराउंड 70% मिलेश है, व्यवहार उसका सबसे संस्कार सब जानवर जैसा ही है। अच्छा, कोई किसको मार देता है, कोई इसको गाली देता है, कोई किसका घर उजाड़ देता है, ये सब चीज चालू हो गया इसके बाद। और इसके लिए तुमको तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना कुछ ना, तो ये सब एक एक छोटा सा घटना है, ट्रेन एक्सीडेंट 300 आदमी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बोलते हैं इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लाखों के मतलब जो परिवार जिनके ऊपर ये बातें बीती है उनको पता है कि कितना, उन लोग का तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास कि उनको शांति दे, उन लोग को दम दे, और ये कठिन परिस्थिति में भगवान का रक्षा करें, चले गए उसकी आत्मा को सद्गति दे। हम ये बोलते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास, नहीं वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है ऐसा टाइम आ रहा है जे कोई आत्मा का सद्गति प्रार्थना करने के लिए रहेगा नहीं। अच्छा, ऐसा टाइम आ रहा है जे सबको उठा के लेने के लिए कोई रहेगा नहीं, ऐसा टाइम आ रहा है जे सब कहाँ पड़ा है किसको मालूम नहीं पड़ेगा, डेड बॉडी कहाँ कुछ पड़ा है किसको मालूम नहीं पड़ेगा, तो संस्कार कुछ नहीं होगा,
अगर संस्कार वगैरह कुछ नहीं होगा कौन करेगा? अच्छा, करने के लिए कोई बचा कोई नहीं होगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं कि मतलब ये डरावना बातें हैं, 10 सेकंड हम डर जाएंगे? नहीं, डरेंगे नहीं। जो भक्त है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, जो भक्त है उनका कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा जी जी। हम अगला जो विश्वास करेंगे उसमें आप हम एक डिस्कस करेंगे कि भक्तों को प्रभु कैसे रक्षा कर रहे हैं। जी जी, भक्तों को प्रभु कैसे रक्षा करेंगे? प्रभु कैसे रक्षा करेंगे? सही बात, क्योंकि बिल्कुल वो भी एक अच्छा प्लानिंग किया है भगवान ने। विभिन्न देवी को और कुछ कुछ भक्त समर्पण करेंगे। अच्छा। तुम्हारा दिन में इतना भक्त रहा, इतना हजार है, इतना लाख है, कितना भक्त है, जो देवी हैं, जो माता है, उसको तुमको संभालना पड़ेगा। मातृ शक्ति हैं, उनको अधीन में माँ संभालता है बच्चा को ना। जी जी जी, तो उनको पास दिया जाएगा, तुमको इतना भक्त दिया, हमको इतना भक्त, उतना ही भक्त हमको लौटाएंगे। तुम्हारा दायित्व उसको रक्षा करना। जी, तो वो बात हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, अभी तो संहार का टाइम चल रहा है ना, नेक्स्ट संहार का टाइम चल रहा है, आज शुरू हुआ। ये तो आपका ये क्या बोलेगा आपको, एक एग्जाम्पल है ब्रह्मा, थोड़ा दिखाई दिए ऐसा होना वाला है, ऐसा होगा, इससे और ज्यादा होगा, कंटिन्यूसली होगा, हर दिन होगा, ऐसे होगा, इससे ज्यादा होगा, कंटिन्यूसली होगा, हर रोज, हर दिन होगा, कहीं ना कहीं होगा। एक बात बताइए, मालिका में ये लिखा गया है, बहुत सारी पोथी और ग्रंथ ये प्रमाण देते हैं, इसमें ये प्रमाण मिलता है नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा वो आएंगे, बाढ़ होगा, भूकंप होगा, सुनामी होगा, चक्रवाती तूफान आएगा, वो तो हम समझ रहे हैं वो हमारे हाथ के बस में नहीं है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हो रहा है ये तो मनुष्यकृत है, मनुष्यकृत है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, सुनिए, ये भी नहीं है, नहीं, सब अपना हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ हाथ में नहीं है। आप मान लीजिए कार चलाते हैं जी, हर दिन कार में जाना करते हैं, सडनली ब्रेक फेल हो गया, क्या करेगा? एक्सीडेंट होगा, वो तो मनुष्यकृत नहीं है, इंडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, इंडायरेक्टली क्या है, तुम आप आपका गाड़ी को ठीक से चेक नहीं करवाए, जांच नहीं किए, आप गैरेज को नहीं गए, उसको चेक नहीं करवाए, फिर ब्रेक गल है कि नहीं दिखा नहीं, आप गाड़ी चलाते हैं, कूलर कूलांट है कि नहीं दिखा नहीं, आप गाड़ी चलाते हैं, इंडायरेक्टली मनुष्यकृत है। लेकिन उस दिन का जो हुआ वो मनुष्यकृत नहीं है, मैकेनिकल फेल्योर है, वो मैकेनिकल फेल्योर। हाँ, तो और टाइप्स का थिंग जो चीज़ है वो एक साथ आ जाएगा। उसमें क्या है, आपको जो संहार करना है वो तो मेनली होगा आपका प्रलय के, उसमें नेचुरल डिजास्टर, भूकंप है या प्रलय है या सुनामी है, कुछ ऐसा ही है, प्लस जल प्रलय होगा, भूकंप होगा, डिजीजेस जी, एंड वार, महामारी और वार, ओके, ये तीनों चीज मेन है जी। इसमें ये एक्सीडेंट में कितना मरेंगे नहीं होगा, इसमें सॉल्व नहीं होगा। अभी देखिए, आपका मालिका में दिया हुआ है कि शायद 25 या 26 के बाद ये बगैर यंत्र जो है सब अचल हो जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, आपका काम करना बंद कर देगा, फोन काम नहीं करेगा, सैटेलाइट काम नहीं करेगा। अभी सैटेलाइट काम करता है बोल के मालूम पड़ता है उस दिन तूफान आएगा, तो इसका मतलब काम नहीं करेगा, क्या करेगा? तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि श्री पुलिन बेड पंडा जी ये कह रहे हैं कि मालिका के अनेक ग्रंथ में ये प्रमाण मिलता है कि एक होने वाला है शायद सोलर स्ट्रॉम या फिर और भी कुछ प्राकृतिक आपदा ऐसे आएंगे जिसमें सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा, बैंकिंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा, पावर सिस्टम काम नहीं करेगा, खाली इतना ही नहीं, मोबाइल जो है आपका हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा, ये समय भी आने वाला है। यस, ये सिर्फ सोलर स्टॉर्म के लिए नहीं है, और किसके लिए है? ये होगा स्पेस वार के लिए होगा, स्पेस वार। हम मान लीजिए चाइना का उपग्रह खत्म कर दिया, रॉकेट डिप, वो हमारा उपग्रह खत्म कर देगा, हजारों उपग्रह है ऊपर में,
दूसरी जो गुइंदा काम करता है किस देश में कौन सा कहाँ क्या 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 है इंटेलिजेंस, हाँ तो उसको खत्म करेगा, उसके बीच में ये भी खत्म हो जाएगा।